अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। इफ्रा खान ब्लॉग्स में आप सबका वेलकम करती हूँ। तो आज मैं रेसिपी बनाने वाली हूँ छोले भटूरे की। तो यहाँ पर देखिए, मैंने काबुली चने लेकर आधा किलो भिगने रखी थी, 5 से 6 घंटे मैंने भिगने रखी। फिर देखिए 2 से 3 पानी से अच्छे से वॉश करके मैंने कुकर में डाल ली हूँ। और पीने का पानी डालकर इसके अंदर मैंने नमक डालकर गैस ऑन करके कुकर चढ़ा दी हूँ गैस के ऊपर। अब यहाँ पर देखेंगे मसाले। तो देखिए मसाले में मैंने ले रही हूँ 2 मीडियम साइज़ की प्याज और 5 से 6 हरी मिर्ची, उसको मैंने चॉपड़ से चॉप कर ली हूँ। और टमाटर, 1 बड़े साइज़ का टमाटर था, उसको भी मैंने चॉप करके ली हूँ। खड़े मसाले देखिए, दालचीनी, लौंग, काली मिरी, चक्री फूल, बड़ी इलायची, तेज़पत्ता। गैस के ऊपर मैंने पैन रख दी थी, तेल भी डाल दी थी। तेल अच्छे से गर्म होने के बाद मैंने खड़ा मसाला डाल के पहले भून ली, फिर मैंने प्याज इसके अंदर, जो हरी मिर्ची प्याज मैंने दरदरा पीस कर रखी थी वो डाल दी। उसको अच्छे से ब्राउन होने तक मैं इसको पकने के लिए छोड़ दूँगी, ताकि प्याज की जो कच्ची स्मेल है ख़त्म हो जाए। तो देखिए गाइस, इस तरीके से मैंने प्याज को अच्छे से ब्राउन करके ले ली थी। तो यहाँ पर मैं डालूँगी 1 से 1.5 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। अब इसको भी अच्छे से भून लेंगे। अदरक लहसुन की कच्ची स्मेल ख़त्म होने तक इसको भी अच्छे से भून रही हूँ मैं, देख सकते हैं आप। चम्मच से मैंने अच्छे से उसको मिक्स करते हुए भून ली हूँ अदरक लहसुन को। अब यहाँ पर मैं डाल रही हूँ जो 1 बड़े साइज़ का टमाटर मैंने चॉपर से चॉप करके ली थी, वो डाल दूँगी इसके अंदर। अब इसको भी अच्छे से मसालों में मिक्स कर लूँगी। अब यहाँ पर मसाले में देखिए, मैं ले रही हूँ कश्मीरी लाल मिर्ची 1 टेबल स्पून, आधा टीस्पून हल्दी है, आधा टेबल स्पून नमक है। नमक अपने टेस्ट के हिसाब से लेना। मैं ना छोले में भी नमक डालकर गलाने रखी थी, इसके लिए मैं यहाँ पर मसाले में कम डाली हूँ। बाद में अगर अपने को कम लगा तो हम एडजस्ट कर सकते हैं, अगर ज़्यादा हो जाएगा तो अच्छा नहीं लगता। इसके लिए हम क्या करेंगे, कम ही डालेंगे। अगर अपने को कम लगता है तो बाद में चेक करके डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पर छोले मसाला ली हूँ बादशाह, ये मैं पूरी पैकेट डाल दी हूँ इसके अंदर। और ये बहुत ज़बरदस्त लगा सबको, बहुत मज़ा आया खाने में, सब तारीफ़ कर रहे थे, बच्चे सब बहुत अच्छे बने थे छोले भटूरे करके। तो देखिए मैंने छोले मसाला भी डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। इसमें तेल है, जब मसाला अच्छे से छूटेगा ना भुनने के बाद तो उसमें से तेल भी निकल आएगा। तो गाइस यहाँ पर मैंने हल्का सा पानी डालकर ये देखिए इस तरीके से भुन रही हूँ। कुछ देर के लिए ढक्कन ढक कर हम रख देंगे एकदम लो फ्लेम पे, ताकि उसका अच्छे से मसालों में से तेल निकल कर आ जाए। ये देखिए अच्छे से तेल निकल कर आया है, आपको नज़र आ रहा होगा। फिर से इसको इस तरीके से मिक्स करेंगे, ताकि हम देखते रहना है कि मसाले चिपके नहीं बर्तन से। तो हमारा मसाला यहाँ पर अच्छे से भुन चुका था, तो छोले गल गए थे, तो छोले इसके अंदर डाल दी हूँ। और उसमें से थोड़ा सा पानी भी बचा था वो भी डाल दी। अब इसको क्या करूँगी, इसमें पानी सूखने तक थोड़ा पकने के लिए रखूँगी, ढक्कन ढाँप देंगे। थोड़ा इसमें से हल्का पानी सूख जाना चाहिए। तो देखिए गाइस यहाँ पर थोड़ा थोड़ा मैं चेक कर रही हूँ, तो यहाँ पर पानी सूख चुका है थोड़ा सा।
अब इसको अच्छे से मिक्स करते रहेंगे। अब यहाँ पर मैं भटूरे बनाने की तैयारी कर रही हूँ। मैंने यहाँ पर ली हूँ 500 ग्राम मैदा और इसमें तेल डाल रही हूँ। मैं एक बाटी तेल डाली हूँ। मैदे को मैंने अच्छे से छान कर ली हूँ और यहाँ पर 100 ग्राम दही डाली हूँ। 2 से 3 टेबल स्पून मैंने सूजी डाली हूँ। फिर यहाँ पर छोले की तरफ आ जाएंगे। कसूरी मेथी ली हूँ 1 टेबल स्पून। उसको मैंने हाथों से अच्छे से मसल कर इसके अंदर डाली हूँ छोले में और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे गाइस। मसाले इसके लिए। अब यहाँ पर हरा धनिया 1 मुट्ठी मैंने अच्छे से वॉश की और बारीक कट करके इसके अंदर मैंने डाल दी हूँ। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। एक से दो मिनट के बाद देखिए मैं यहाँ पर डाल रही हूँ 1/2 टेबल स्पून गरम मसाला पाउडर। बहुत कम मसाले में और बहुत ही मज़ेदार बनने वाला ये छोले है, तो आप सब ट्राई ज़रूर करना। ये मैं अपने तरीके से बनाई हूँ जैसे कि मैं घर में बनाती हूँ। इससे पहले भी मैंने ये रेसिपी अपलोड की हूँ, आप चाहे तो चेक कर सकते हैं। तो देखिए कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं ये छोले, खाने में भी इतने ही टेस्टी थे। मैंने ना इसके अंदर ना पीले मटर आते हैं ना, वो भी डाली थी थोड़े से। क्योंकि मेरे पास ये डालने से क्या होता है, थोड़ा एक अलग सा टेस्ट आता है और अच्छा लगता है खाने में, तो मैंने इसको थोड़े से पीले मटर भी मिक्स की थी इसके अंदर। अब देखिए मैंने ये जो रोटी बेलते हैं ना उसको अच्छे से वॉश कर ली, तेल कढ़ाई में डाल कर रखी हूँ अच्छे से गर्म होने के लिए। आटे को मैंने रेस्ट होने के लिए रख दी थी गूंद कर, और छोले हमारे अच्छे से बन चुके थे तो निकाल कर मैं एक साइड में रख दी थी। अब इसको भटूरे का एक अच्छा सा शेप दे देंगे। थोड़े जाड़े टाइप में इसको भटूरे को बेलना होता है, पूरी की तरह इसको पतले नहीं बेलना होता है। भटूरे थोड़े मोटे मोटे में रहते हैं तो उस तरीके से इसको बेलेंगे, थोड़ा आटा ज़्यादा लेंगे। तो गाइस तेल अच्छे से गर्म हो गया था, तो देखिए भटूरे कितने अच्छे से फूलने लगा। फिर पलट के इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। कलर देखिए भटूरे पे कितना अच्छा आया है। तो ये देखिए गाइस मैं आपको दिखा रही हूँ भटूरे का कलर। अब यहाँ पर दूसरा भी मैंने बेल कर डाल दी थी, इसका भी कलर आप चेक कर सकते हैं। फिर से मैंने बेल कर यहाँ पर देखिए 2 बार फुली फुली है करके आपको बता रही हूँ भटूरे। ये इतने ज़बरदस्त फुले फुले बने थे और खाने में भी बहुत टेस्टी थे, बहुत पसंद आए सबको। तो गाइस यहाँ पर हमारे छोले भटूरे तैयार हो गए थे, तो मैंने खाने के लिए दस्तरखान बिछा दी थी। फजल खाकर चला गया था, मैं और फहद खाना बाकी रह गए थे तो हम लोग खाने बैठ गए थे। इफ्रा भी खा ली थी। अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि कैसी लगी आपको रेसिपी। लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा।
मैंने अपने लिए ली प्लेट में और फाहद को भी डाल कर दी। तो ये देखिए कितने ज़बरदस्त कलर आया है छोले में और भटूरे में। हालांकि मैंने ना कुछ भी चाय की पत्ती डाली इसके अंदर, कुछ भी मतलब जो चाय की पत्ती का पानी बनाकर डालते हैं छोले में, मैंने कुछ भी नहीं डाली, बस सीधा सीधा कम मसाले में। और कितने अच्छा, ये देखिए छोले बन के तैयार हो गए हैं। और ये देखिए भटूरे भी कितने लच्छेदार बने थे, एकदम मस्त, एकदम पदर वाली बनी थी और एकदम सॉफ्ट बनी थी, वही मैं आपको बता रही हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैं एक बाइट बता रही हूँ, ये देखिए कितना यम्मी लग रहा है छोले भटूरे। और फजल तो खा लिया था, सॉरी, यहाँ पर फहद मेरे साथ बैठा था, वो प्याज बारीक कट करके उसके अंदर डालकर खा रहा है, उसको प्याज खाना पसंद है। और मैं उसको पूछ रही हूँ कैसे बने, तो वो बोल रहा एकदम अच्छे बने।